सो आज का जो टॉपिक है हमारा, टुडेज टॉपिक इज़ डिज़ाइनर पिकॉक। वो मेरा सिग्नेचर पिकॉक है जो थोड़ा सा आप लोगों के लिए इजी भी है। मैं इतना हैवी वर्क पिकॉक में नहीं करती हूँ। सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, कमेंट सेक्शन ऑफ कर रही हूँ मैं। जिसका भी जो भी क्वेश्चन है आफ्टर पिकॉक, वो मैं 5 मिनट्स का टाइम एंडिंग में दूंगी, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। सो आज बहुत सारे लोग कम ज्वाइनिंग हुए हैं, बिकॉज आज रिपब्लिक डे है, तो मैं भी सब लोग हॉलीडे के हिसाब से एंजॉय कर रहे होंगे। फर्स्ट यहाँ पे मैं ड्रॉपशिप क्रिएट कर रही हूँ। देन डॉटेड मार्जिन में एकदम सेंटर पॉइंट से ना लेके मैं ड्रॉप शेप के जस्ट 2 फिंगर से पिकॉक की नेक का पोर्शन एंड आइज का पोर्शन मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगी। ये फ्रंट फेस का पिकॉक है, सो हाफ टर्निंग पॉइंट से लेके मैं यहाँ से आइज का पोर्शन, देन यहाँ से मैं नेक का पोर्शन मैं पिकॉक की नेक ज़्यादा एकदम से ज़्यादा पतली भी नहीं करती हूँ और ज़्यादा मोटी भी नहीं बनाती हूँ, मैं मीडियम ही रखती हूँ हमेशा। देन ये वाले पोर्शन से मैं इसका जो स्टमक पार्ट है वो यहाँ से मैं राउंड शेप में बनाऊंगी। कंटिन्यूस राउंड शेप में करने के बाद यहाँ से ये वाली पॉइंट डाउन साइड से लेके मैं थोड़ा सा अंदर के साइड यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। देन कंटिन्यू इस वाले पोर्शन के साथ ये वाली लाइन को मैं यहाँ से कनेक्ट करूँगी। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ वी शेप जैसा एक पोर्शन क्रिएट होगा। मेरे एवरी पिकॉक में ये वी शेप का पोर्शन हमेशा रहता है। सो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ से पिकॉक का स्टार्टअप हुआ है वहाँ पे ही उसका एंड अप होना चाहिए। देन ड्रॉप शेप के अंदर एक और मैं ड्रॉप शेप क्रिएट करूंगी। यहाँ पे मैं एक और छोटा सा पोर्शन लाइक ड्रॉप शेप और बना रही हूँ जो मेरा आइस का पोर्शन है। फ्लोरल बंच में हमने कल पिकॉक बनाया था तो उसमें मैंने थोड़ी सी डॉट वाली आइज रखी थी, यहाँ पे मैं ड्रॉप शेप के अंदर राउंड शेप लेके उसको फील कर रही हूँ। देन यहाँ से मैं पिकॉक की बीक, कल बहुत सारे फ्लोरल बंच मैंने ऐसे देखे जिसमें बहुत सारे लोगों की एक प्रॉब्लम थी, कॉमन प्रॉब्लम, सबने पिकॉक के हेड के पोर्शन में पिकॉक की बीक बनाई थी। सो उन लोगों को मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि पिकॉक की बीक जो है लाइक चोच, वो हमारी पिकॉक की आइज के एग्जिट नीचे के पॉइंट पे ही बनती है हमेशा। सो आप हेड के पोर्शन में अगर ऐसा कुछ बना रहे हो तो वो पिकॉक की बीक नहीं बनने वाली है हेड के पोर्शन पे। देन यहाँ से मैं सेकेंड ड्रॉप शेप ले रही हूँ।
अगेन इसके अपोजिट पोर्शन से, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट से मैं स्टार्टअप करूँगी इसके एग्जिट सामने, देन राइट साइड ड्रॉप शेप, लेफ्ट साइड भी ड्रॉप शेप। सो आज का सिग्नेचर पिकॉक का जो लुक है वो कंप्लीट होने के बाद आपको पता चलेगा, समथिंग यूनिक। देन ये वाले पोर्शन से मैं एक हाफ राउंड क्रिएट कर रही हूँ, अच्छा एक बात आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं और डिज़ाइन मुझे भेज रहे हैं और डिज़ाइन भेज के ऐसा बोल रहे हैं कि मैम मेरी कहाँ पे मिस्टेक है, मैं कहाँ पे गलत हूँ, तो वो सब चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। यहाँ पे क्या गलती है, आपको कैसे बनाना है, वो चीज़ मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपको इस तरीके से क्रिएट करना है। सो ये हमारा फ्री सेशन है, तो फ्री सेशन के अकॉर्डिंग मैं किसी को पर्सनली रिप्लाई नहीं दे सकती इतना कि आप मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजो, और मैंने लाइव सेशन में ऐसा भी नहीं बोला है कि आप मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजो और मैं आप लोगों को आपकी मिस्टेक बताऊंगी। सो प्लीज़ अगर ऐसा कुछ है तो आप क्लियर कर लो, इसके लिए मैंने आप लोगों को ये बात बताई है कि जो भी है आप स्टोरी में मेंशन करो, स्टोरी में टैग करो, बट पर्सनल मैसेज करके आप ये चीज़ मत पूछो कि मैम मैं कहाँ गलत हूँ, मेरी कहाँ पे प्रॉब्लम है। जो भी मिस्टेक आपकी होने वाली है, जो भी क्लेरिफिकेशन नहीं है डिज़ाइन में, वो चीज़ तो मैं ऑलरेडी आपको रेगुलर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बताती हूँ कि ये चीज़ आपको नहीं करनी है, राइट रॉन्ग दोनों चीज़ बताती हूँ। सो जिनको भी ऐसा कुछ बुरा लगा हो सो उसके लिए आई रियली सॉरी फॉर दैट। ये हमारा फ्री सेशन है और मैं बहुत ही लाइटली और बहुत ही डिटेलिंग में आप लोगों को हर एक चीज़ बता रही हूँ, तो आप इसको सीखो, फॉलो करो और उसको एंजॉय करो। हाफ राउंड लेके मैंने तीन लाइन क्रिएट की है, देन यहाँ पे मैं स्केलप क्रिएट कर रही हूँ। आफ्टर स्केलप यहाँ पे मैं लीव्स का पोर्शन ड्रॉ कर रही हूँ। डबल स्टॉक देन उसको मैं आउटलाइन बॉर्डर यहाँ पे दूंगी, देन डॉटेड मार्जिन में यहाँ पे मैं लीव्स क्रिएट कर रही हूँ। नेक्स्ट लेफ्ट साइड से स्टार्टअप किया है मैंने, देन डॉटेड मार्जिन करके आउटसाइड से मैं पेटल क्रिएट कर रही हूँ।
नेक्स्ट then dotted margin practice is more important जिनको भी बनाने में दिक्कत हो रही है स्टेप बाय स्टेप मैं हमेशा फॉलो करती हूँ सेंटर पोर्शन से यहाँ पे मैंने लीव्स क्रिएट की है राइट साइड का पोर्शन मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली डन किया है देन यहाँ से मैं लेफ्ट साइड का पोर्शन क्लियर करूँगी then जो लोग भी वीडियो के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों को भी बोलना चाहूंगी कि मेरा ये रूल है मैं उसे ब्रेकआउट नहीं करूंगी सो वीडियो आपको बाद में मिलेंगे नहीं मिलेंगे कैसा क्या होगा वो मैं 14 और 15 डेज का जो लास्ट डे का जो सेशन रहेगा उसमें मैं अनाउंस करने वाली हूँ बट अभी का जो रूल है वो 10 o'clock दैट मीन्स 10 o'clock उसके बाद वीडियो विल बी रिमूव ओके आउटलाइन स्ट्रक्चर मैंने पहले ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे थोड़ा सा शेप मेरा डिसमिस हो गया है देन जो शेप आउटलाइन बॉर्डर करने के बाद एम्प्टी शेप है इसके अंदर मैं लाइक टूथ फिलिंग इस तरीके से कर रही हूँ इस तरीके से आप देख सकते हो टूथ फिलिंग कंटिन्यूसली इसको स्टेप बाय स्टेप करते जाना है टूथ फिलिंग करते टाइम कोन का जो प्रेशर है वो कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए देन आपने स्टार्टअप किया है तो जहाँ तक एंड नहीं होता है वहाँ तक कोन को स्टॉप भी नहीं करना है
इट्स नॉट स्कैलप फिलिंग, यहाँ पे किसी भी शेप में स्कैलप मैंने ड्रॉ नहीं किए हैं और ना ही जिगजैग है, राउंड राउंड करके मैं टूथ फिलिंग कर रही हूँ। बहुत आराम से और बहुत पेशेंसली ये आपको करना है। थैंक यू एवरीवन। देन आउटसाइड बॉर्डर को मैं थोड़ा सा डार्क करूँगी। ये पिकॉक मेहंदी में कहाँ पे यूज़ होगा ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये पिकॉक ओनली फॉर स्टार्टअप में ही यूज़ होगा, ओनली फॉर स्टार्टिंग पोर्शन लाइक एल्बो पोर्शन, यू कैन यूज़ इन ब्राइड ऑल्सो। बिकॉज ये लाइट पोर्शन है तो ऑब्वियसली हमारा रूल है कि उसको थोड़ा सा हाईलाइट करना है डार्क पोर्शन से। Then डन। ऊपर का पोर्शन हमेशा आपको क्लियरली फाइनल, ये स्टेप हमेशा फर्स्ट लेवल पे ही आपको डन करनी है बिकॉज हम अप टू डाउन इसकी फिलिंग करने वाले हैं। सो आपको डाउन टू अप नहीं जाना है, अप टू डाउन ही आपको जो फिलिंग है वो करनी है। ग्रेट हार्ड वर्क, थैंक यू। देन ये जो मेरा हाफ राउंड का जो पोर्शन है इसको मैं फिलिंग में लूँगी। सो यहाँ पे हमने फिलर के बहुत सारे डिज़ाइंस ऑलरेडी सीखे हैं, सो हम वो फिलर के डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले स्पाइरल यूज़ करूँगी। ब्लर ब्लर थ्री लाइन में यहाँ पे मैं स्पाइरल यूज कर रही हूँ, 1, 2 एंड 3 कंटिन्यूसली इसको करना है। स्मॉल सेक्शन में स्मॉल नहीं यूज करना है, हाफ यूज करना है। ये पिकॉक स्टार्टिंग पोर्शन पे ही ज्यादा अच्छा लगने वाला है।
मे बी अब तक सब लोगों के स्पाइरल अच्छे हो गए होंगे। नेक्स्ट लेफ्ट पोर्शन को मैं कवर करूंगी। देन हाफ स्पाइरल, ये पोर्शन मैं यहाँ पे एम्प्टी रखने वाली हूँ, एम्प्टी ही रहेगा ये। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बॉर्डर क्रिएट किया है पहले से, उसको मैं डार्क बॉर्डर से हाईलाइट करूँगी। बिकॉज ये हमारा लाइट वर्क है सो उसको डार्क बॉर्डर से हाईलाइट करना जरूरी है। देन माय फाइनल लाइन, नेक्स्ट आइस के पोर्शन को मैं कवर करूंगी। ड्रॉप शेप जो मैंने क्रिएट किया है उसको आउटसाइड से यहाँ से फिल अप कर रही हूँ डार्क बॉर्डर से। देन जो मेरा नेक का पोर्शन है इतना पोर्शन मैं डार्क करती हूँ। देन यहाँ से मैं नॉर्मल बॉर्डर क्रिएट करूँगी। डबल लाइन, वन स्कैलप की लाइन, डबल स्कैलप की लाइन, थ्री स्कैलप की लाइन। जितने भी हमने फिलर के डिज़ाइन जो किए हैं मिक्स फिलर, वो सारे हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे मैं क्रॉस लाइन लेके इतने पोर्शन में मैं यूज़ करूँगी। देन इस बॉर्डर को यहाँ से मैं डार्क करूँगी। अगेन वन टू एंड थ्री लाइन्स। टू स्केलप, थ्री स्केलप। देन लैंडस्केप लाइन, यहाँ पे मैं स्मॉल ग्रिड यूज करूंगी। वन बॉक्स एम्प्टी, वन बॉक्स में मैं फिल कर रही हूँ। देन जो एम्प्टी बॉक्स है उसमें स्मॉल डॉट
अगेन डबल लाइन, वन स्कैलप की लाइन, डबल स्कैलप की लाइन, कंटिन्यूसली आपको राउंड शेप में फिलिंग नहीं करनी है। अगेन क्रॉस लाइन, देन स्कैलप, सर्कल, स्मॉल सर्कल, सिंगल स्कैलप की लाइन, स्मॉल सर्कल, सिंगल स्कैलप की लाइन, देन पेटल्स, आपको हमेशा एक ही डायरेक्शन में ही पैड को रखना है, पेपर को सारे डायरेक्शन में आपको नहीं घुमाना है। स्पाइरल विथ सेंटर में डॉट, स्पाइरल के साथ में सेंटर में डॉट कर रही हूँ। वन टू एंड डॉट, देन इस पोर्शन को इस तरीके से कंप्लीट करना है। देन हम अब ड्रॉप शेप में फिलिंग करेंगे। ड्रॉप शेप में फिलिंग करने के लिए मैं हमेशा अंदर वापस ड्रॉप शेप क्रिएट करती हूँ। देन वापस से मैं एक ड्रॉप शेप क्रिएट करूंगी। सो जिन लोगों की एक प्रॉब्लम होती है कि आप ड्रॉप शेप अगर स्मॉल बनाते हो तो आफ्टर फिलिंग वो और ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, सो पहले से मीडियम साइज़ का आपको यूज़ करना है, बिकॉज इसके अंदर मैंने ऑलरेडी तीन जो लेयर है वो क्रिएट किए हैं, जो भी मेरा वर्क होगा वो इस पोर्शन पे यहाँ पे होने वाला है। स्पाइरल देन स्कैलप, देन यहाँ पे मैं पेटल्स क्रिएट कर रही हूँ।
क्लासेस के क्या चार्ज है दी? व्हेन आई स्टार्ट माय न्यू बैच विल पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। सो अभी से मैं कुछ बोल नहीं सकती बिकॉज मेरे सारे बैचेस फुल है। Is this live video save? Yes, you can see on IGTV। 10 बजे तक रहेगा, आप कभी भी देख सकते हो। 10 बजे के बाद मैं रिमूव कर दूंगी। बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यस, मोर 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 प्रैक्टिस। अप टू डाउन में यहाँ पे शेड क्रिएट कर रही हूँ, जो भी मैंने स्मॉल स्मॉल पैटर्न्स बनाई थी अप टू डाउन। बट ये मैंने बहुत इजी टेक्निक बताई है जो पर्सनली मैं फॉलो करती हूँ। इससे इजी इसकी कोई टेक्निक नहीं है। सो एक बार आप प्रैक्टिस करोगे, दो बार करोगे, डेफिनेटली डन। अप टू डाउन शेडिंग करनी है, जिगजैग शेडिंग अप टू डाउन। जिन लोगों को टूथ फिलिंग में प्रॉब्लम होती है, तो आप टूथ फिलिंग की जगह पे बहुत सारे वेरिएशन है, आप बहुत सारी फिलिंग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ राउंड ऑल्सो, यू कैन यूज़ स्पाइरल ऑल्सो। तो यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो यूज़ कर सकते हो। एक वेरिएशन मैंने आपको बताया है, आप इससे बहुत सारे न्यू वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो। बट अगर आप सारे फेदर्स में राउंड यूज़ करते हो, सारे में स्पाइरल यूज़ करते हो, तो यहाँ की फीलिंग आपको चेंज करनी होगी। आपका सिग्नेचर डिज़ाइन बहुत अच्छा है, थैंक यू। देन फर्स्टली मैं यहाँ से इसका आउटलाइन जो बॉर्डर है वो मैं पहले क्लियर करूंगी। जो बिगनर्स हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे मैंने इजी वे से बताया है कि यहाँ पे आप दो ड्रॉप शेप क्रिएट करके उसकी आउटलाइन को इस तरीके से आप फिलिंग करके आप डार्क कर सकते हो। देन नेक के पोर्शन का बॉर्डर क्लियर करूंगी। मैम पिकॉक शेप नहीं आया, तो पिकॉक शेप की आपको प्रैक्टिस करनी होगी तभी आएगा। सो ये बॉर्डर मैंने पहले क्लियर किया है। नेक्स्ट ये ड्रॉप शेप की फिलिंग भी एज इट इज सेम ही बनानी है। नेक्स्ट यहाँ पे वापस फेदर फिलिंग एक बार दिखाओ। फेदर फिलिंग मैं रिपीट नहीं कर पाऊँगी, वीडियो IGTV पे 10 बजे तक रहेगा। आप 10 बजे तक जितनी बार हो आप देख सकते हो। मैम मेरी रोबोट पिकअप बन गई। रोबोट पिकॉक कौन सा होता है?
ये हमारा डिजाइनर पिकॉक है। कहाँ रहते हो आप प्लीज? आई एम फ्रॉम गुजरात, फ्रॉम वापी। देन अपोजिट ड्रॉप शेप में भी मैं सेम फीलिंग ही लूँगी। आप फीलिंग चेंज नहीं कर सकते हो बिकॉज ये पिकॉक का ओपन फेदर है। ब्राइडल मंदी में कितना टाइम लगता है आपको? मेरे को 8 आवर्स मिनिमम लगते हैं ब्राइडल मंदी में। नेक्स्ट फेदर, सॉरी पेटल्स। मैम आपने किससे मेहंदी सीखी? मैंने अभी तक 4 आर्टिस्ट से मेहंदी सीखी है। हाउ मच यू चार्ज फॉर ब्राइडल मेहंदी? यू कैन डीएम ऑल्सो। जिनको भी शेप बनाने में या किसी भी चीज़ में दिक्कत हो रही है, आप वापस से वीडियो देख सकते हो। अप टू डाउन ज़िगज़ैग फीलिंग। मेहंदी में ऑयल ज़्यादा हो गया है आज, ल्यूज़ में से निकल रहा है। यस, अगर आप पेस्ट बनाते हो तो मेहंदी में अगर आपका ऑयल ज़्यादा होता है तो पेपर वर्क में वो रिमूव हो जाएगा, सॉरी पेपर वर्क में वो डिज़ाइन से बाहर आने वाला ही है। सो पेपर वर्क के लिए आपको ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना है। यू कैन यूज़ ओनली 1 to 2 ड्रॉप। मैम मैंने 3 बार मैसेज किया, प्लीज़ रिप्लाई। सॉरी फॉर दैट, मैंने आपका सीन नहीं किया होगा बिकॉज़ 5,000 से भी ज़्यादा मैसेजेस की लिस्ट है। सो व्हेन आई फ्री, मैं जैसे जैसे फ्री होंगी वैसे वैसे सीन करूँगी, विल डेफिनेटली रिप्लाई, बट अभी बहुत ज़्यादा मैसेजेस है। टू स्पून मेहंदी में कितना ऑयल यूज़ करते हो आप? फॉर पेपर वर्क 2 स्पून मेहंदी पाउडर में मैं 1/2 स्पून ऑयल यूज़ करती हूँ।
बट इट्स नॉट कंपल्सरी कि ऑयल ऐड करना ही है आपको पेपर वर्क में, आप विदाउट ऑयल भी कर सकते हो, बिकॉज सब लोगों के पास अलग अलग टाइप के ऑयल हो सकते हैं, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। दोनों ड्रॉप शेप के मैंने आउटलाइन जो बॉर्डर है वो इस तरीके से क्लियर किए हैं। देन फाइनल मेरा बिक का जो पोर्शन है, बिक की जो फिलिंग है उसको मैं डार्क करूंगी। देन नेक पोर्शन से स्टार्टअप, देन जो बिगनर्स है उनको बॉर्डर क्रिएट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसे बॉर्डर कर सकते हो। देन फाइनली कंप्लीट माई डिजाइनर पिकॉक। देन इसको मैं वापस से लाइटली बॉर्डर दूंगी। ओनली लाइट बॉर्डर यहाँ पे मैं क्रिएट कर रही हूँ। गुंजन मेघवाल, आप लाइव क्लासेस में फेसेस बनाना भी सिखाओगे? आपने मेरा पोस्ट शायद नहीं पढ़ा होगा तो आपको मैं वापस क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे मैं डिज़ाइनिंग कोर्स के लिए आई हूँ। मेरी जो सिग्नेचर डिज़ाइंस है वही मैं यहाँ पे करवाने वाली हूँ। नेक का एम्प्टी पोर्शन आप फिलिंग नहीं करोगे? नो, ये पोर्शन मेरा एम्प्टी ही रहेगा बिकॉज दिस लुक, अगर मैं इसको फिलिंग करती हूँ तो मेरा यहाँ पे नेक का जो लुक आना चाहिए वो नहीं आएगा। सो नेक का जो लुक है वो मैं एम्प्टी ही रखने वाली हूँ।